लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं, नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की, खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पद बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी फ्रंट पेज पर, ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था, अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पद बन गया वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे, यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी, और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वह टुकड़ों में सोचकर, टुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। आज ये कन्वेंशन सेंटर, ये भारत मंडपम इस बात का भी गवाह है कि हमारी सरकार कैसे होलिस्टिक तरीके से बहुत दूर की सोच कर काम कर रही है। इस जैसे सेंटर्स में आना आसान हो, देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सके, इसलिए आज भारत 160 से ज्यादा देशों को ई कॉन्फ्रेंस वीजा भी की सुविधा दे रहा है।